नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। तो आज मैं आपके साथ मैंगो पुडिंग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो पुडिंग रेसिपी। केरी को अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया है और पोंछ के इसका जो ऊपर का डंठल का पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है। तो अब हम इस तरह से कट करके जो केरी का पल्प है वो निकाल लेंगे। किसी भी तरीके से केरी का पल्प निकाल कर ग्राइंडिंग जार में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। केरी के साथ अब हम मिक्स कर देंगे आधा कप से थोड़ा कम चीनी, 2 पिंच भर के नमक ऐड कर देंगे। मिक्सर के ढक्कन को बंद करके एक फाइन सी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंगो का बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 1.5 कप जितना दूध ऐड करेंगे। फिर से मिक्सी जार को कर देंगे बंद और इसे एकदम फाइन पेस्ट होने तक पीस लेंगे। इस मैंगो के पेस्ट को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके गर्म करने के लिए गैस पर रख देंगे। एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर पाउडर लेके 1 कप दूध ऐड करके हम उसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। केरी का हमने जो पल्प बनाया है उसको हम धीरे धीरे धीमी आंच पर गैस पर गर्म कर लेंगे। कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हम गर्म करेंगे। इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। हमने जो स्लरी बनाई है उसको पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है। गैस को रखेंगे धीमी आंच पर और धीरे धीरे इस स्लरी को डालते हुए अच्छे से चलाते रहेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो इसके लंप हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है, जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए और उसमें से बबल आने ना लगे। तो कंटिन्यूस चलाते हुए हमें यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम गाढ़ा हो चुका है और उसमें से बबल भी आने शुरू हो गए हैं। लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद करके हम इसे ठंडा होने के लिए नीचे रख देंगे। मैंने यहाँ पे 2 कटोरियाँ ली हैं, उसको मैंने पहले ही तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो प्यूरी बनाई है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। एक प्लेट की मदद से हम इसे धीरे से पलट लेंगे। तो हमारा एकदम टेस्टी मज़ेदार मैंगो पुडिंग बनके तैयार हो गया है। बच्चे और बड़े सबको पसंद आने वाली ये मैंगो पुडिंग बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।